संस्कृत सीमा शब्द है, इसको प्रातिपदिक सीमा भी अपनाया और सीमा में भी अपनाया इसको हमने, दोनों लिया, दोनों ही तरह से मानकर चलते हम। संस्कृत का जो मूल शब्द है वास्तव में सीमन होता है। अब आप कहते हैं ना कि एक विद्यार्थी अगर प्रश्न करते हैं कि युवावस्था क्या होगा, युवंधन अवस्था होगा, जिस पुस्तक ने यह उदाहरण लिखा है युवावस्था का युवंधन अवस्था, सुना एक बात मेरी बात को ठीक से, जिस पुस्तक ने यह लिख रखा है कि युवंधन अवस्था बराबर युवावस्था होता है, उसी पुस्तक ने सीमधन अंत बराबर सीमंत लिखा है। हो सकता है महाशय को लगता है कि मैं ही विद्वान हूं पूरा, या उनको लगता है कि हम ही विद्वान है सब, वो भूल जाते हैं कि विद्वान धरती पर कमी नहीं है लोगों की, पढ़ने वाला कमी नहीं, जो पढ़ने वाला वो विद्वान होगा। यहां पर चूक हो गई उनसे, सीमन शब्द था पर युवन लिखा था, सीमन लिखना था, सीम क्यों लिख दिया आपने यहां पर, लिख दिया मर्जी उनकी, जानकारी का अभाव था, जानकारी का अभाव था, पूरी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं कहता हूं युवन नहीं होगा वहां पर युवा होगा। युवा धन अवस्था बराबर युवा अवस्था होता है, युवन वाली स्थिति नहीं होती है। कोई कहे नहीं युवन वाली होती है तो उसी पुस्तक पढ़ा हुआ है सीमन पढ़ा हुआ है, नहीं सीम पढ़ा सीमन नहीं है, और वहां सीमा लिखा हुआ पढ़ा हुआ कुछ और, तो ये बात आपके बस की बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं जो बताया जाता है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, किसी किताब में क्या लिखा है उससे हमें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है ठीक है उसको मानकर चलिए आप। ये जो न वाला संधि होगी तो युवन का युवा बना के करेंगे, और प्राणी को प्राणी ई बड़ी का अगर प्रयोग कर रहे हैं हम जिसे सीमन को कर रखा हमने, तो संधि कौन सी करेंगे इसमें आप, यही करेंगे संधि कौन सी होगी, ये मतलब केवल स्वर संधि के उदाहरण है इतने वाले। और यहां से सबसे आज भी इस प्रश्न में संधि पूछी है या पूछी है, और इस सीमंत सीमांत से अभी तक पूछा नहीं है ठीक है, तो ये होगी आपकी स्वर, स्वर संधि में इतना ध्यान रख लोगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में संधि पूछी है या पूछी है और इस सीमंत सीमांत से अभी तक पूछा नहीं है ठीक है, तो ये होगी आपकी स्वर, स्वर संधि में इतना ध्यान रख लोगे तो मुझे नहीं लगता है संधि में कोई दिक्कत आने वाली स्वर में। अब एक सारांश के तौर पर हम पढ़ लेते हैं कि स्वर संधि में क्या सार याद रखना है, बस उसके बाद यदि कोई विद्यार्थी इसको भी याद रख लेगा जो पढ़ा रहा हूं यहां पर हो जाएगा। दीर्घ संधि जहां से विच्छेद हो, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा और री की मात्रा, संधि होती है दीर्घ। गुण संधि जहां से विच्छेद हो, ऊपर एक मात्रा, संधि गुण होती है। फिर है वृद्धि जहां से विच्छेद हो रहा है, दो मात्रा, वृद्धि। इसके बाद है यण जहां से विच्छेद हो रहा है, यह से पहले आधा, वह से पहले आधा, और इसके बाद में है अयादि संधि जहां से विच्छेद हो रहा है वहां से यह से पहले पूरा, वह से पहले पूरा। इतना ध्यान रख लीजिए संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ध्यान रखना है ये उदाहरण ध्यान रखना आपको लिखा है ये वाले, और परीक्षा में इतना याद रखते हो ना तो भी दिक्कत नहीं होती है। क्रेश ध्यान रखना था कौन सा, गवेषणा, संधि कौन सी होती है अयादि, बस और दिक्कत नहीं। सोचा ये पूछता है परीक्षा पूछता है तो कि कौन सा गुण का नहीं है। अब री वाली लेते हैं, एक री आती है, इसको देख लीजिए आप, री तीन में आती है। एक ध्यान रखिएगा शब्द, पितृण शब्द की तरह कोई शब्द आ जाता है तो विच्छेद ऐसे करिएगा पितृधन ऋण की ओर, यदि देवर्षि की तरह शब्द आ जाता है तो विच्छेद करिएगा देवधन ऋषि, और यदि इस तरह से आ जाता है पितृनुमति तो विच्छेद करिएगा पितृधन अनुमति की तरह करिएगा। री तीन जगह काम आती है, एक री इस रूप में आ सकती है, दूसरी रेप रूप में आ सकती है, और तीसरी किस रूप में आ सकती है, त्रय रूप में आ सकती है। जहां से विच्छेद हो यदि आपको यह री मिले तो संधि दीर्घ कर देना, आंख बंद कर दीर्घ कर दीजिए आप यहां पर, सिर्फ एक शब्द को छोड़कर, एक शब्द को छोड़कर पूरी हिंदी में, और वो शब्द है देखिए, और वो शब्द है गुरु ऋण, गुरुधन ऋण, इसमें होती है यण संधि। बाकी किसी शब्द में ये गुरुवाज्ञा भी कर सकते हो, ये नहीं है। बाकी देखिए, बाकी किसी शब्द में जहां से विच्छेद हो आपको री मिल जानी चाहिए, संधि कौन सी करोगे दीर्घ, गुरु ऋण में कौन सी करोगे यण, ओके पूरी इसमें इतना ही याद रखता, मैं इतना ही रखता हूं याद, बाकी कोई शब्द मुझे कोई मतलब नहीं होता है। देवर्षि, देवर्षि एक ध्यान रखिएगा, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषि शब्द मिलते हैं संधि कौन सी कर दीजिए, कौन सी कर दीजिए गुण संधि, ऋषियों में गुण होते हैं इतना याद रख सकते हैं क्या, अरे इंसान में गुण नहीं होते ऋषियों में होते, याद रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं कोई दिक्कत, होती है तो उसी पुस्तक में पढ़ा हुआ है सीमन पढ़ा हुआ है, नहीं सीम पढ़ा सीमन नहीं है, और वहां सीमा लिखा हुआ पढ़ा हुआ कुछ और, तो ये बात आपके बस की बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं जो बताया जाता है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, किसी किताब में क्या लिखा है उससे हमें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है ठीक है उसको मानकर चलिए आप। ये जो न वाला ना युवन है, ये प्राणी ने है, इन सबको संधि से हटा दिया है, कोई संधि नहीं है, संधि होगी तो युवन का युवा बना के करेंगे, और प्राणी को प्राणी की बड़ी कर प्रयोग कर रहे हैं हम जिसे सीमन को कर रखा हमने, तो संधि कौन सी करेंगे इसमें आप, यही करेंगे संधि कौन सी होगी, ये मतलब केवल स्वर संधि के उदाहरण है इतने वाले। और यहां से सब आज भी नहीं, इस प्रश्न में संधि पूछी है या पूछी है और इस सीमंत सीमांत से अभी तक पूछा नहीं है ठीक है, तो ये होगी आपकी स्वर, स्वर संधि में इतना ध्यान रख लोगे तो मुझे नहीं लगता है संधि में कोई दिक्कत आने वाली स्वर में। अब एक सारांश के तौर पर हम पढ़ लेते हैं कि स्वर संधि में क्या सार याद रखना है, बस उसके बाद यदि कोई विद्यार्थी इसको भी याद रख लेगा जो पढ़ा रहा हूं यहां पर हो जाएगा। दीर्घ संधि जहां से विच्छेद हो, आर की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा और री की मात्रा, संधि होती है दीर्घ। गुण संधि जहां से विच्छेद हो, ऊपर एक मात्रा, संधि गुण होती है। फिर है वृद्धि जहां से विच्छेद हो रहा है, दो मात्रा, वृद्धि। इसके बाद है यण जहां से विच्छेद हो रहा है, यह से पहले आधा, वह से पहले आधा, और इसके बाद में है अयादि संधि।
जहां से विच्छेद हो रहा है वहां से यह से पहले पूरा और वहां से पहले पूरा, इतना ध्यान रख लीजिए, संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ध्यान रखना है, ये उदाहरण ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये वाले। और परीक्षा में इतना याद रखते ना तो भी दिक्कत नहीं होती है, क्रैश कोर्स में इतना ही होता है, और ये ध्यान रख लीजिए आप। ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा, किस्मत नहीं होती है, या एक शब्द का ध्यान रखना था कौन सा, गवेषणा, संधि कौन सी होती है, आजादी, बस। और दिक्कत ये सदर ये पूछता भी परीक्षा पूछता है तो कौन सा गुण का नहीं है। अब री वाली लेते हैं, एक री आती है, इसको देख लीजिए आप, री तीन में आती है। एक ज्ञान का शब्द पितृन शब्द की तरह कोई शब्द आ जाता है तो विचित ऐसे करेगा पितृन ऋण की ओर। यदि देवर्षि की तरह शब्द आ जाता है तो विचित करेगा देवधन ऋषि। और यदि इस तरह से आ जाता है पितृनुमति तो विचित करेगा पितृधन अनुमति की तरह करेगा। री तीन जगह काम आती है, एक री इस रूप में आ सकती है, दूसरी री रूप में आ सकती है, और तीसरी किस रूप में आ सकती है, तरह रूप में आ सकती है। जहां से विच्छेद दो यदि आपको यह नहीं मिले तो संधि दीर्घ कर देना, आंख बंद करके दीर्घ कर दीजिए आप यहां पर, सिर्फ एक शब्द को छोड़कर, एक शब्द को छोड़कर पूरी हिंदी में। और वो शब्द है देखिए, और वो शब्द है गुरु ऋण, गुरुधन ऋण, इसमें होती है यण संधि। बाकी किसी शब्द में ये पूर्वाज्ञा भी कर सकते हो, ये नहीं है। बाकी देखिए, बाकी किसी शब्द में जहां से विच्छेद हुआ आपको री मिल जानी चाहिए, संधि कौन सी करोगे, दीर्घ, गुरुवेण में कौन सी करोगे, यण, ओके, पूरी इसमें इतना ही याद रखना, मैं इतना ही रखता हूं याद, बाकी कोई शब्द मुझे कोई मतलब नहीं होता है। देवर्षि, देवर्षि एक ध्यान रखिएगा, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषि शब्द मिलते संधि कौन सी कर दीजिए, कौन से कर दीजिए, गुण संधि, ऋषियों में गुण होता है, इतना याद रख सकते हैं क्या, अरे इंसान में तो गुण नहीं होते, ऋषियों में होते, याद रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऋषि शब्द मिलते क्या कर दीजिए, गुण संधि कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऋषि मिलते गुण का ही उदाहरण होगा, किसी और का बनेगा भी नहीं। और जहां से विचित्र उत्तर मिले संधि कौन सी करेंगे आप, यण करेंगे, कौन सी करेंगे, यण संधि करेंगे आप, गुण का मतलब गुण संधि। और तरह किस मिलता है, धन के बाद त्री में बदलता है, के पहले तरह बदलता है त्रिम में, बाकी आपको अनुमति में कोई दिक्कत नहीं है, ये तरह कैसे बदलेगा, त्रिम बदलेगा। तो आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा, री की मात्रा, संधि कौन सी होती है, दीर्घ होती है, एक मात्रा गुण, दो मात्रा वृद्धि, यह और वर्ष पहले आता यण, यह और वर्ष पहले पूरा आयादि। फिर री तीन मती है, एक पितृण, देवर्षि और पितृमती, तीन शब्द याद करिए, कोई भी शब्द आता है उसका तुलना कर दीजिए, पहल कर लीजिए, या फिर जहां से पीछे दो री मिले गुरुवृण को छोड़कर सब में दीर्घ, गुरुवृण में यण, ऋषि मिले ऋषि में गुण होते हैं गुण संधि, और तरह मिले जांच से विचित्र संधि यण, संधि यण होती है, वैन संधि है। ये तो और भी सरल है, अब वैन संधि में क्या ध्यान रखना होगा, सरल है विसर्ग, इससे भी सरल संधि है, हमने क्या कि डर उत्पन्न कर रखा है, तो दूसर लेता हूं वैन संधि। वैन संधि का पहला नियम है, कोशिश करता हूं कि पांच या छह नियम हो जाए, पहले हमने इसको आठ नौ नियम पढ़ा था, अब इसको पांच नियम में कोशिश करता हूं हो जाए, और हो जाएगी। देखिए पहला मिले, अच्छा व्यंजन संधि के लिए आपको व्यंजन पढ़ने होंगे, एक देखिए आप, क ये पहला है, ख ग ग च, व्यंजन आपको ध्यान रखने होंगे, वैसे ध्यान तो है आपके लिए, पर हो सकता है किसी को जानकारी नहीं हो। विद्यार्थी आया था, विद्यार्थी कहता मेरा मित्र था, बीसीए था, बीसीए में दो बार फेल हो रखा था, एक से सात लेकर आया था, दोनों बीसीए के थे, दो बार बीसीए में कोई फेल हो रखा, रोते रोते पास हो, अब जानते हो 135 नंबर लेकर आया था हिंदी में, और लास्ट अंतिम पांच दिन वो पढ़ गया था, मेरे तो उसे जीना आराम कर दिया पांच दिन में, ठीक है, और उसका कैचअप और मैंने जबरदस्त देखा उस व्यक्ति का, मैंने तो बीसीए फेल कैसे हो गया, बोले पढ़ता कौन था, मैं क्यों, बोले हिंदी माध्यम था, घर वाले ने बोल दिया कि बीसीए कर ले, और वहां पूरा अंग्रेजी थी, और मेरे और कंप्यूटर के बीच दूसरी थी हमेशा, तो मैंने कहा बोल देता यार तीन साल में तो पढ़ाई करता निकल जाता, बोला यार कॉलेज मिल गई इतनी शानदार, बाबूजी ने कहा मेरा बेटा बीसीए करेगा और अपने लिए कॉलेज में दोस्त नंबर लेकर पिछली बार हिंदी में, और लास्ट अंतिम पांच दिन वो पढ़ कर गया था, मेरा तो उसने जीना आराम कर दिया पांच दिन में, ठीक है, पर उसका कैचअप और मैंने जबरदस्त देखा उस व्यक्ति का, मैंने तू बीसीए फेल कैसे हो गया, बोले पढ़ता कौन था, मैंने क्यों, बोले हिंदी माध्यम था, घर वाले ने बोल दिया कि बीसीए कर ले, और वहां पूरा अंग्रेजी थी, और मेरे और कंप्यूटर के बीच दुश्मनी थी हमेशा, तो मैंने कहा बोल देता यार तीन साल में तू पढ़ाई करता निकल जाता, बोला यार कॉलेज मिल गई इतनी शानदार, बापूजी ने कहा मेरा बेटा बीसीए करेगा और अपने लिए कॉलेज में दोस्त मिल गए,
और चाहिए क्या? ऐसा भी होता है कई बार, होता नहीं होता है, होता है। तो कैचअप हो रहा, पता चला मुझे से वो इसी मैटर में 130 प्लस 135 या 36 थे उसका नंबर, पहली बार ही पढ़ गया था। वो कह रहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, अब के थानदार बन गए। एक तो क्या होता है, कंपटीशन तैयारी करते हैं दूसरों को देख कर हम, यह किससे कह रहा है, थानदार की। एक बन गया थानदार है तो सब लग जाएंगे थानदार में। अब बताओ मैं आपको, अभी थानदार की परीक्षा है, मान लीजिए पटवारी की परीक्षा होती है, पटवारी का रिजल्ट आ जाता अभी, तो आपके घर वाले आधे से आपको पटवारी की तरफ धकेल देते हैं। छोड़ थानदार, पटवारी बन, वो फलान जी वाला पटवारी बन गया। अभी थोड़ी देर पहले आरएस रिजल्ट आया था, आप में से कितने विद्यार्थी जिनमें जोश आ गया थे ऐसा ही नहीं बनना, अब आरएस बनना है? सही बताना, सही से बताइए। ये विचलित है सारे के सारे, ये क्या है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सारे विचलित हैं। समझ आ रही बात आपके? अबे यार तैयारी आप कर रहे हैं ऐसे ही कि रिजल्ट आया आरएस का, क्यों जीव दुख पिला रहे हो? भाई जीव आपका दुख क्यों पा रहा है? अब तैयारी नहीं की, इसका मतलब है आपकी गलत अपेक्षाएं हैं, और गलत अपेक्षाएं हमेशा तकलीफ दे होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है। ऐसे ही बन जाइए, उसके बाद आरएस बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, आरएस बन जाइए, आरपीएस बन जाइए, नहीं बनते हैं तो बाकी सब पोस्ट अच्छी पोस्ट है, सही, ठीक है। अभी से तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जब आओगे ना आप इस फील्ड में तो लगेगा अरे यार एलर्ट बन गया, ये तो थानदार बन गया। कभी ग्रामीण गांव में जाओगे ना तब पता चलेगा इन तीन पोस्टों की कितनी इज्जत होती है। हाँ, एक तहसीलदार हो तो फिर भी ठीक है, तहसीलदार हो तो ठीक है, उस एलर्ट में आरएस बन जाओ। ये जो जैसे मान ली 80 जो अभी जो आरएस सीटें आ रखी है, 70-80 जो सीटें जो भी आ रखी है, ठीक है, 150 तक रैंक ठीक है, उसके बाद 200 तक मान लीजिए, 1000 में 200 तक रैंक ठीक है, 200 के बाद तो ऐसा ही थानदार सही है, भले ही सेकंड ग्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़े उसे। फिर मत करिए, इन पोस्ट की ओर भागिए। और ऐसे ही बनने के बाद में अधिकतर ऐसे ही बने रहते हैं, थर्ड की नौकरी होती है, कोई थर्ड की नहीं है। घरवाली लाओ तो सोच समझ के लाना, कि थानदार बनने के बाद में घरवाली को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और थानेदार नहीं लाओ घर में तो सोच समझ के लाना, रात की 2 बजे भी अधिकारी का फोन आ सकता है, और आपके मन में आ गया ना कि अधिकारी का फोन तेरे पास रात 2 बजे क्यों आया, तो भैया घर गया आपका काम से, फिर आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। कभी फोन कर सकता है, आप थानेदार हैं, वो तुरंत कैसे, मैडम क्या कर रहे हो, किस हो रहे हैं, उठिए जाइए वहां पर, 2 बजे भी आपको जाना पड़ सकता है, आप सो रहे हो, कई बार आपको बिना बताए भी जा सकती है। इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हो तभी थानदारी को लेकर आना, कि ट्रेनिंग में जाओगे ना साथ में तो खूब तैयारी कर लोगे कि हम शादी करेंगे, लेकिन इतना जिगर हो आप में तो ही भैया शादी करने का, ठीक है, क्या लाना, नहीं तो चुप जा, जो घर वाले बोलते हैं रोटी बना सकती है वो ले आना, और आप ऐसे पकड़ लेना जो बाहर नौकरी करता हो। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ऐसा ही सीरियस में लेना इस चीजों को आप। ये ऐसा होता, देखिए ये पांच आपको प्रकार, देखिए आपको प्रकार, देखिए 1 2 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए, इनको हम लेते हैं वर्ग में, यानी वर्गीय, और ये कौन से है, अवर्गीय, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये ले लोगे ना कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान रखिए, सर्कोश सर्कोश कर दीजिए, वो विश्व में काम आएगा, यहां पर नहीं आएगा। पहला नियम क्या कहता है, वर्ण संधि का पहला नियम कहता है कि पहला मिले तो उसे तीसरे भेज दीजिए, तीसरा मिले उसे कहां भेज दीजिए, पहले भेज दीजिए आप, इसे देखना एक बार। दो नियम हम एक साथ करते हैं इसमें, जैसे एक उदाहरण के तौर पर विच्छेद भी लेता हूं, 2-3 और 2-3 संधि लेता हूं, एक मिला मान लीजिए मैंने लिया यहां पर वाक, और दूसरा क्या लिया इस, ये पहला मिला हुआ है, पहला मिला तो किस में जोगे, तीसरे में, कब किस में दीजिए, ग में, ये बना दीजिए आप। सट धन अंग मिला मान लीजिए, ये पहला मिला है, पहला गया, इसे काम भेजोगे तीसरे में, सर का सर ट चला जाएगा ड में, और सामने अ आएगा तो अ का कार्य करते हैं सर्जिन को हटाना, ये बन जाएगा सडन। पहला मिले तीसरे में, तीसरा मिले पहले में, एक और देखिए, ये लिखा है उत्त धन योग, ये पहला है, इसको काम भेजिए तीसरे में भेज दीजिए, तो ये चला जाएगा ड में, और क्या जाएगा योग, पहली स्थिति आपकी ये है। अभी आपको तीसरा मिल जाए उससे काम भेजोगे, उसे काम भेजोगे पहले भेजोगे, तीसरा कैसे मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ लिखा इसने वागदान, यहाँ पर कौन सा है घर, कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है दान, विचित्र वहां पर कौन सा है, तीसरा है, तीसरे को भेज दीजिए आप पहले में, ठीक है, और दान का दान कर दीजिए आप। ये संक्षिप्त है, वजह से इतने ध्यान रखना, इतनी चार नहीं हो जाएगी इसमें आपके, तो पहला मिले तीसरे मिले, तीसरा मिले तो पहले में, चाहे इधर मिले, देखिए यहाँ तीसरा है पीछे का में दोगे पहले में, या तीसरा है पीछे का में दोगे पहले में,
या पहला है संधि बनाओगे तीसरे में दीजिए, जो भी मिले पहला मिले तीसरे में तीसरा मिले पहले में दीजिए साहब। देखिए यहाँ लिखा है सदगुरु, यहाँ पर कौन सा है द है, तीसरा पहला है, तीसरा कहाँ भेजोगे बोलिए, पहले में यह हो गया। एक और है यही पर ही, जैसे यहाँ लिखा है सत, रुको 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 रुको, देखिए यहाँ लिखा है सद और यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा सामने सन, यहाँ पर कौन सा दिया इसने बताइए कौन सा दिया, तीसरा कहाँ भेजोगे पहले में, संधि में यही होगा। जब के साथ प्रश्न आएगा ना उसमें यही निकल पाएंगे, नियम बहुत दूर की बात है, नियम तो ऐसे नियम ऐसे पढ़ाते हैं विद्यार्थी को दिक्कत आउट ऑफ नहीं जाए, कम से कम टाइम में ये दो नियम पूरे हो जाएंगे आपके, और यही प्रश्न करेगा परीक्षा का, इससे बाहर जाएगा तो नहीं। और देखिएगा यहाँ लिखा उद और सामने कैसे कर्ष, यहाँ पर कौन सा है तीसरा कहाँ भेज दीजिए, कहाँ भेज दीजिए पहले भेज दीजिए। और देखिए यहाँ लिखा इसने उत्खनन, यहाँ पर कौन सा है पहला है कहाँ भेज दीजिए बताइए, कहाँ भेज दीजिए तीसरे में, और यहाँ कौन सा मिला है तीसरा कहाँ भेज दीजिए पहले में, ये तो कर सकते हो, पहला मिले तीसरे में दीजिए, तीसरा मिले पहले में दीजिए, कर लोगे वैंजन याद ही हो गई है आरपीसी के अनुसार, आधे प्रश्न ये सुधार दिया आरपीसी, आधे शब्द ये सुधार दिया है, कुछ नहीं पढ़ोगे आप तो। एक और देखिए उत्पादन, यहाँ पर कौन सा है पहला है कहाँ भेजोगे तीसरे में, एक और देखिए संसद सदस्य है, संसद का है किसे भेजोगे बताइए, किसे भेजोगे तीसरे में, और यहाँ पर क्या देगा सदस्य, अब देखिए तीसरा किसे भेजोगे पहले में, तो पहला मिले तीसरे भेज दीजिए, तीसरा मिले पहले भेज दीजिए, ये पहला नियम क्या हो गया, ये पहला नियम पूरा हो गया, इस पर आपको ध्यान रखना नहीं है कि कुछ रखोगे नहीं। दूसरा नियम देखिए, अब एक और है कि पहला मिले तो पांचवें भेज दीजिए, पांचवा मिले तो किसे भेज दीजिए, किसे भेजोगे पहले भेजोगे, ये दो नियम साथ करके पढ़ेंगे, पहला मिले पांचवें भेजिए, पांचवा मिले पहले भेजिए, कब पहला पांचवें में कब जाएगा ये ध्यान रखना है, पांचवा पांचवें में तभी बदलेगा जब पांचवा होगा, लगातार दो पांचवें होंगे तभी पांचवा होगा, अन्यथा पांचवा नहीं होगा, लगातार दो पांचवें होंगे तो ही पांचवा होगा, अन्यथा पहला तीसरा में जाएगा, पांचवा हमेशा लगातार दो में आएगा, अन्यथा पांचवा नहीं आएगा। उदाहरण देखिएगा यहां लिखा मैंने वाक और लिखा मैं, अभी बता रहा हूं कि ये पहला पांचवें कैसे जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पहला तीसरे में गया था, ठीक है ये पता कैसे करेंगे अभी बता दूंगा। उदाहरण देखिएगा पहला हो और पांचवा नहीं हो, तब पहले के सामने क्यों पांचवा नहीं हो, पहला किसमें जाएगा, पहले किसमें जाएगा तीसरे में जाएगा, पहला जाएगा तीसरे में, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि पहला हो ठीक है और इसके सामने क्या हो पांचवा हो, तो पहला किसमें जाएगा, किसमें जाएगा पांचवें, बस ये कंसेप्ट हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा। जैसे वाक धन में पहले किसान पांचवा है, पहला किसमें जाएगा पांचवें में, किसी और वर्ग में जाएगा, खुद के वर्ग में ही जाएगा, ये खुद के वर्ग में ही जाएगा, तो वहां करेगा वाह कल का पांचवा कौन सा है, कोई डर तो नहीं बोल रहा यहाँ पर, डर ये अंग है वाक धनमय वांगमय बनेगा, कुछ लोग इसको डर बोलते हैं, अब देख लीजिए आप हिंदी कितनी गलत थी, डर धीरे हट जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा है सत्य और दूसरा लिखा है मार्ग, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा बताइए, किसमें देगा किसमें देगा पांचवें बनेगा सन्मार्ग, एक यहाँ ध्यान रखना है सतमार्ग कोई शब्द नहीं होता है, एक आपको ध्यान रखना होगा सतमार्ग कोई शब्द होता है, ये संस्कृति में पूछ सकता है, यहाँ से मैं साथ में संस्कृति लेकर चलूंगा, वर्ण संधि के बहुत अच्छे उदाहरण संस्कृति में आते हैं, संस्कृति में आएंगे, ये तो गई संधि। विच्छेद में जैसे देखिए यहाँ लिखा है उन्हें लिखा है, यहाँ पर क्या मिला है, अरे भैया कौन सा मिला है पांच, किस जाएगा किस जाएगा पहले में, तो ऊ करेगा ऊ पांच जाएगा पहले में, न का पहला, न का पहला म, और आ जाएगा बहन, और देखिए जगन्नाथ दूसरा कौन सा है नाथ, ये पांचवा है, इस काम भेजोगे बोलिए किस भेजोगे पहले में, जगदन नाथ, ये हो गया दो नियम, यहां भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, पहला मिले पांचवा भेज दीजिए, पांच मिले तो पहले में भेज दीजिए। अब यहां पर इसी के साथ में एक तीसरा नियम आपको यहां ध्यान रखना है, यार तो तीसरा नियम एक और है, तीसरा ये कहता है कि जहां से विच्छेद हो वहां पर आपको क्या मिल जाए, क्या मिले भैया अनुस्वार मिले, संधि कौन से करोगे वर्ण
सभी के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण नियम ले सकते हो इसको आप। परि के सामने कार मिले, करण हो, कृत हो, कृति हो, कर्ता हो या फिर कारक, तो दोनों के बीच में स का आगमन होता है, स का आगमन होता है। और यही बात सम के साथ में हो, इनमें से कोई आ जाए तो देखिए इस स का आगमन होता है, और जो म है वो बदलता है अनुस्वार में, वो बदलता है अनुस्वार में। उदाहरण देखना, जैसे एक उदाहरण लिखा रहा हूं, परी धनकार, तो बनेगा पर इसका याद रखिएगा वैदेह संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग के साथ संबंध करके पूछेगा आपसे। और देखिए यदि सम धनकार पूछे तो क्या करोगे, संस्कार दिए, बाकी सारे आप लगा सकते हो। तो ये आपका एक नियम ये भी पूरा हो गया। यहां से अच्छे प्रश्न बनता है, मैंने अति महत्व लिखा यहां पर, अति महत्व जानते हो। फिर इसके बाद चौथा ये कहता है कि जहां से विच्छेद मिले वहां पर, देखिए जहां से वहां पर चत मिल जाए, संधि कौन सी करोगे, संधि कौन सी करोगे, वैदेह संधि करोगे। चच मिलते ही संधि व्यंजन कर दीजिए। और चच कैसे बनता है, ये क्या होता है कि स्वर के सामने छ आ जाए तो दोनों के मध्य च आता है, च का आगमन छ आता है, एक आप ये ध्यान रखिए। दूसरा ये ध्यान रखिए कि धन के पहले त हो और सामने स हो, ये भी अति महत्वपूर्ण है वर्ण संधि में। जो नियम पढ़ाता हूं ये पढ़ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अति महत्वपूर्ण है। ये त बदलता है, ठीक है, च में, और स बदलता है छ में, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है। देखिए यहां लिखा है अनुदन छेद, तो क्या बनेगा अनुच्छेद, ये तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, पर एक दो शब्द है जो आज किसी या तो पूछते सब्सिडी में या पूछते संधि में, और छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, धन के पहले स्वर है, हल्ची नहीं, इसका मतलब क्या है, स्वर है और सामने छ है, तो आगमन किसका होगा, छ का आगमन होगा, छत्र छाया और एक तरु धन छाया, यह बन जाएगा छाया, बीच में चलेगा। अब ये संधि कौन सा, देखिए संधि और संधि विच्छेद सही नहीं है, गलत है, वहां पर ये प्रश्न आता है, अधिकतर प्रश्न ये ऐसे किए गए हैं कि कौन सा संधि और संधि विच्छेद सही नहीं है, वहां पर छत्र छाया और तरु छाया का बोध किया गया है। और ये शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण है, शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण है, मैं साथ में शब्द शुद्धि भी लेकर चल रहा हूं यहां पर, वैदेह संधि में जो शब्द शुद्धि काम किया वो भी लेकर चल रहा हूं साथ में। इसके बाद और देखिए यहां लिखा है यह अति महत्वपूर्ण है, और यहां से प्रश्न दो शब्द लेते हैं, दो प्रकार ध्यान रखिएगा, यहां पर दो प्रकार के शब्द आ सकते हैं, एक उत्तधन शासन आ सकता है, इस तरह का त के सामने स आए, इस प्रकार जो उगत उड़े का त बदलेगा स में, त बदलेगा च में, स बदलेगा च में, आ की मात्रा सन उच्च सन। और इससे भी महत्वपूर्ण ये आता है उत्तधन श्रृंखल, ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि स और स के साथ में क्या है, री है, यहां पर स के साथ री, री प्रदेश आ गया, ठीक है। तो देखिए उ का बदलेगा उ, और त के सामने स, इस री का मतलब स और री है यहां पर, तो त बदलेगा च में, और इस त बदलेगा च में, री की मात्रा और कल पूछेंगल, ये पूछता है इस नियम से, मतलब या तो ऐसा पूछेगा या यहां से, ये दो नियम चस से याद रखिए, बाकी चस वाले में कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं होगी, यहां से प्रश्न अच्छे बनते हैं, बाकी सभी पूछता है। इसके बाद में एक नियम और है, यदि आपको देखिए दंतीय स मिले तो किस मत लोगे, मूर्धनी में, मूर्धनी मिले किस मत लोगे, दंतीय में, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया, देखिए वी धन सम है, ये सर किस मत जाएगा, मूर्धनी में, एक और रुकी रुकी रुकी, इसमें देखिए एक और है, ये थ भी हो तो थ मिलता है, ये दोनों साथ रखिए, युधिष्ठिर स्थिर बनेगा, युधिष्ठिर नीधन स्थिर, इसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने मेरे सामने प्रश्न किया था कि सर आरबी से 2016 में ये मान रखा है, ये नहीं माना है, इसको ऐसे दिया था कि सर यह मान का है नीधन ठुर, आरबीसी कभी नहीं मान सकती, यदि माना है तो अपने आपत्ति क्यों नहीं लगाई, आरएस 2016 में नहीं माना, आरबीसी ने आरएस 2016 मुख्य परीक्षा था नीधन ठुर को सही माना, इसके बाद में कोई कहता 19 मुख्य परीक्षा उसने मान लिया है, तो एक बार पूछ सकते आपत्ति लगानी है, 2016 में आरएस माना नहीं, आपने कैसे मान लिया, नहीं माना जाता है, ये 2016 में आया हुआ है और अभी 19 मुख्य परीक्षा उसमें भी आया हुआ था, तो उसमें यह मान लिया, इसमें मान लिया, ऐसा नहीं माना जा सकता, उसने दे दिया होगा, बाद में हो सकता है प्रश्न स्टार्ट में गया तो ध्यान नहीं दिया होगा, कि हम तो पेपर होता है ना उसमें ध्यान देते हैं,
पेपर में प्रश्न आने के बाद महीने दो महीने स्टार भी जाता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते वापस। तो नीत निष्ठ ही होता है, निष्ठ में यही होता है, बाकी दूसरा नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये भी अच्छी मतलब आता है। इसमें नियम लेना चाहोगे तो दो नियम काम के हैं, नियम के बजाय शब्दों में रहिए ज्यादा ठीक है। नियम लगे बताऊँ इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नियम की। नियम यह है कि स्वर हो, रुको, धन के पहले ई छोटी हो, छोटा वो और सामने स हो तो स बदलता है इसमें, और धन के पहले ई छोटी हो, छोटा वो सामने स और थ आता है, तो ये जो स बदलता है इस समय और ये थ बदलता है इस समय, इस नियम का पालन होता है इसमें। नियम याद रखिए, नियम स्पेशल नियम से ये याद रखिए, युधिष्ठिर है, विषम है, अब देखिए विषम है चाहे निश्चित मिले या निश्चित मिल गया, जहां से विच्छेद वहां पर स मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इस सह को कहां भेजना है, दंतीय स मिले मूर्धन्य भेज दीजिए, मूर्धन्य मिले दंतीय भेज दीजिए, मूर्धन्य मिले दंतीय भेज, दंतीय मिले मूर्धन्य भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने विषय लिख दिया है, ठीक है, अब आपको पता क्या मिल गया, स मिल गया, इस सह को कहां भेजोगे, कहां भेजोगे, इस सह भेज दीजिए, विषय हो गया, ये आपको ध्यान रखना होगा, इस मिले इस समय दीजिए, थ मिले तो थ भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया प्रतिष्ठान, अब पता कि देखिए सर थ दोनों आ गए यहाँ पर, तो प्रति का तो प्रति रहेगा, और हमें ये पता कि ये मुद्रीय स मिल गया दंतीय भेज दीजिए, थ मिल गया थ भेज दीजिए, अंत प्रतिष्ठान हो जाएगा। शब्दों को देखकर चलो, उसके बाद दिक्कत नहीं। हम लोग कहते हैं नियम बस, नियम क्यों बसते, नियम से प्रश्न परीक्षा आता नहीं है, तो एक ये भी हो जाएगा आपके लिए। और कोई उदाहरण हो तो आराम से पढ़ सकते हो, इतना ध्यान रखिए। एक नियम और ऐसा सबसे महत्वपूर्ण नियम आ जाता है, वो उसको थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं। छठा नियम है, देखिए ये कहता है धन के पहले कोई पहला व्यंजन हो और सामने, पांचवे को छोड़कर, रुको, कोई सामने वर्गीय आए, छठा हो, एक मिनट, ये कह रहा धन के पहले क्या हो, पहला हो, एक रुकिए, म हो, म के सामने कोई वर्ण आए, बताते हो कोई वर्ण कह रहा है, कोई वर्ण आ जाए म के सामने, म को छोड़कर, म को छोड़कर, तो म किस बदलेगा, म बदलेगा अनुस्वार में। वर्तमान में यही पूछता है, म पांचम जाता है वो कभी नहीं पूछता परीक्षक, सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, क्योंकि मानकीकरण के अनुसार पूछता आरबीसी करती है। म के सामने कोई वर्ण आ जाए म को छोड़कर, म किस बदलता है पांचवें, और म के सामने यदि म आ जाए तो कोई नहीं होता है वहां पर, मम होगा सिर्फ। बहुत सारे शब्द इसमें आ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर अलम और सामने लिखा यहाँ पर कार, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गम और सामने लिख दिया गा, ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा सम और सामने दिया मैंने यम। अब ये कह रहा है कि म के सामने कोई वर्ण आ जाए, म के सामने क्या नहीं आना चाहिए, म नहीं आना चाहिए, तो किस बदलेगा म, म बदलेगा अनुस्वार में, तो ये बनेगा अलंकार, ये बनेगा गंगा। सम और तोष लिख दिया तो भी क्या बनेगा, संतोष ही बनेगा। अब ये कहता है यदि अनुस्वार मिले तो किस भेजिए, म भेजिए। नियम यह है कि म मिले तो अनुस्वार भेज दीजिए, अनुस्वार मिले तो म भेज दीजिए, अनुस्वार मिले म भेजिए, म मिले अनुस्वार भेजिए आप। और अनुस्वार हम जानते हैं शब्द के साथ मिलेगा, संधि होने के बाद में म मिलेगा, विच्छेद मिलेगा, इसमें कोई बिंदी मिल जाए जांच से विच्छेद दो तो संधि कौन सी करेंगे आप, व्यंजन करेंगे दूसरी करना ही मत, आप संतोष बनेगा। और देखिए सम के साथ मान लीजिए हार मिल गया, ठीक है, हार आ गया, इसका क्या बनेगा, संयम, इसका बनेगा सार। सम के साथ मान लीजिए सार मिल गया, कोई वर्ण मिल जाए म कहां भेजोगे, अनुस्वार में, और पांचवा मिले तो पांचवें रखना, समधन मान समान होगा, समधन मुख आएगा तो भी मुख ही होगा, सम्मुख, ये आपको ध्यान रखना। यदि म मिले पांच भेज दीजिए, नहीं म मिले अनुसार भेज दीजिए, और अनुसार मिले, अनुसार मिले किस भेजोगे, और यहां पर म के साथ म आए तो मम रखिएगा, बस ये ध्यान रखना, यहां पर म के साथ म हो तो मम अति महत्वपूर्ण है, बाकी यह है। इससे प्रश्न आने की संभावना, देखिए अलंकार और ये सब मैंने यहां से पूछता है, और जहां तक मैं जानता हूं यहां से पूछने कोई विद्यार्थी गलत नहीं करता है, इसे तो पहले किए थे व वाले में ही होती है। एक और है म के साथ में सातवां नियम, एक और है, यदि आपको न मिल जाए तो कहां भेजोगे, कहां भेजोगे, और न मिले कहां भेजोगे, बोलिए भाई कहां भेजोगे, न भेजोगे। जैसे
मान लीजिए इस तरीके का री डन न क्या बनेगा, रेड बनेगा, नाम क्या बनेगा, परिणाम। और मान लीजिए क्या पर्यटन है, मान है, कुछ भी मिल जाए क्या बनेगा, प्रमाण बनेगा। ये कहीं मिले आपको ये देखना कि सब में न मिल गया है तो किसे भेज दीजिए आप, नाम है, नाम मिल गया किसे भेज दीजिए, नाम है। ये तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा। मान लीजिए लिखा राम धन अयन है, क्या बनेगा, रामायण। नारदन अयन है, क्या बनेगा, नारायण बनेगा। ये अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर कुछ पुस्तक लिखा है कि रामायण में दीर्घ संधि भी होती है, रामायण में कभी दीर्घ संधि नहीं होती है, रामायण में केवल और केवल व्यंजन संधि होती है, किसी एक पुस्तक कहने से नहीं होती है। आप इससे क्या मानती है, पंडित काम तो गुरु ने क्या माना है और एनसीईआरटी ने क्या माना है। अब तो एक तो या तो ये है कि एनसीईआरटी के साथ लपड़ा हो गया, एनसीईआरटी पुस्तक कौन सी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तक नहीं है, नवीन हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है। कल ये कंसेप्ट पूरा क्लियर करो आप। अब तो मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना जरूरी हो गया है, सत्य तथ्य है ये कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है। और कोई विद्यार्थी इसी को एनसीईआरटी मानकर चल रहा है तो भैया आरपी सिलेंडर में एक मिनट बाद जाओ आप, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि कौन सा बोर्ड एनसीईआरटी कौन सा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, राजस्थान का बोर्ड कौन सा है, तो फिर आप पढ़कर क्या है वो, तो वो उस पुस्तक में लिखा हुआ है, मान्य है या नहीं है वो बात की बात है। रामायण में संधि कौन सी होगी, कौन सी होगी, बनी होगी। अब यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना है, कौन सा, रस धन अयन, ये देखना आप क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, रसायन। अब संधि कौन सी है, अब संधि कौन सी है, अब दीर्घ संधि है। ऐसा नहीं है कि रसायन के चक्कर में आप रामायण को दीर्घ मान बैठो, या न न में नहीं बदला है, न न में नहीं बदला है तो न मिले न बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ध्यान रखना रस नहीं बराबर क्या बनता है, रसायन बनता है, क्या बनेगा, रसायन। रसायन में क्या होगी दीर्घ, बाकी समय क्या कर दीजिए, बाकी समय क्या करोगे, व्यंजन संधि करोगे, न मिले तो उसे न में भेज दीजिए। अब संधि के एक दो नियम ऐसे हैं जो परिभाषा से प्रश्न बनता है, और वो है एक नियम विशेष रूप से, दो नियम है जिनकी परिभाषा से प्रश्न क्या करता है, प्रश्न बनता है, मतलब परिभाषा आपको दे सकता है। और ये दो नियम मैं अलग से लिख रहा हूं, परिभाषा के नाम से लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब ये आपके लिए परिभाषा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। नियम ये कहता है, सीधा परिभाषा कैसे पूछता है कि यदि, देखिए यदि द के आगे म हो और द के पहले री हो तो द का परिवर्तन होता है, यह तो बनता है प्रश्न, ठीक है, सीधा प्रश्न आता है, पीछे दो तीन बार पूछा गया है, तो द का परिवर्तन होता है किस में होता है, अरे भैया किस में होता है, प्रणाम में होता है, ठीक है। देखिए मेद धनमय क्या बनेगा, दस से पहले रिय है दस से पहले और सामने क्या है, म है, तो बनेगा मेदमय, मेद धन मान बनेगा मेदमान, मेद धन मूर्ति बनेगा मेड मूर्ति, बनेगा मेड मूर्ति, ये आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए द के पहले, देखिए द के सामने म हो और पहले री हो तो द किस मिलता है, ऋण मिलता है, ये नियम कहता है मेद धन पात्र। अब क्या होगा, क्या सामने म है, क्या सामने म है, क्या नहीं है, तो फिर पहला नियम क्या था, तीसरा मिले काम भेज दो, बड़े काम भेज दो पहले में, तो यहां पर तीसरा है इसे काम भेजोगे पहले में, द चला जाएगा द में मृत पात्र, ये सही है। अगली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात, उसने ये लिखा है बोर्ड में मृत धनमय मृत में लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको किस तरह से लिखा है उसको, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे प्रश्न किया था, वो कोई मानिए भूल हो सकती है वहां पर, मैं त्रुटि नहीं मानता, इतनी त्रुटि नहीं हो सकती नियम की, मानिए भूल हो सकती है। तो इसमें संधि पहला नियम हुआ है और ये प्रश्न बनता है इस नियम से, ये जरूर आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न और बनता है, यदि पहले व्यंजन के आगे ह हो तो पहले व्यंजन का
अपने ही वर्ग की, तीसरे में तथा ह का उस तीसरे की बाद वाले या महाप्राण में परिवर्तन होता है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न बनकर मतलब इस नियम से प्रश्न बनता है और फिर आता है, नियम से प्रश्न दो ही बनेंगे आपके, इसमें इसमें व्यंजन संधि से परिवर्तन होता है। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे जैसे लिखा, इसने लिखा वाक तनहारा, पहला है क, पहला है और सामने क्या देख रहे हैं, ह दे रखा है, तो पहला बदलेगा तीसरे में, क बदलेगा ग में, और ह किस बदलेगा, ह बदलेगा इस तीसरे के बाद वाले में, तीसरे के बाद कौन सा, ग के बाद में बड़ा ग है, रा की मात्रा रा बनेगा वागारा, ये बनेगा वागारा। और देखिए क्या लिखा है, उत और सामने लिखा इसने हार, तो देखिए ऊ का रहेगा ऊ, त बदलेगा द में, और सामने क्या है, सामने क्या है, ह, ह किस बदलेगा, द के बाद कौन सा आता है, द में, बनेगा उधार। ये हो गया, अब देखना इसमें एक शब्द ध्यान रखिएगा, समेत आता है और एक जो है पद, और सामने क्या आएगा, हती, तो ये क्या रहेगा, पद्धति। इसी नियम में ये शब्द पढ़ते हैं, पद्धति का, देखिए पद्धति को आपके लिए ऐसा भी दे सकता है परीक्षक, ये भी दे सकता है, पद्धति में क्या लेकर आओगे, बाकी समय क्या होता है, ठीक है, तो ही आता है, इसी नियम में पढ़ा जाता है। वास्तव में क्या होता है, यदि पहले या द, ये नियम चला पहले या द, पर नियम बनता है इसी नियम से, पद्धति पूछे तो ये कर लीजिए, इधर किताब पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, बाकी ये देखना पहले के सामने ह हो तो पहला बनता है तीसरे में, ह बनता है तीसरे के बाद में, ये दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ठीक से पढ़ जाना। मैंने आपको एक ही उदाहरण लिखा है तीन प्रकृति वाले, या एक उदाहरण और ले सकता हूं, उदगन हरण उदरण, ये हो जाएगा कितने हो गए, नौ। अंतिम नियम बन संधि का और अति महत्वपूर्ण, आप एक बात बताइए, मैंने संधि पर कितना बल क्यों दिया है, कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या, प्रश्न आएंगे छह या सात, एक प्रश्न में विकल्प आते हैं चार, चार आते हैं, छह गुना चार कितने होते हैं, छह गुना चार कितने होते हैं, तेईस, चौबीस होते हैं, चौबीस शब्द आएंगे आपके सामने संधि के, छह प्रश्न आएंगे, छह नहीं आएंगे, चौबीस शब्द आएंगे, चौबीस के चौबीस शब्द आएंगे, तब जाकर ऊपर हल कर पाओगे छह में से छह। आप मेरा टारगेट छह प्रश्न नहीं है, मेरा मेरा पढ़ा तरीका है कि शब्द कितने आते हैं, चौबीस आएंगे तो चौबीस पढ़ाएंगे हम इनको, तो टारगेट मेरा चौबीस का था। अब किसी व्यक्ति को चौबीस शब्द चुनने हो तो संधि छोटी पड़ जाएगी उसके लिए, बोलिए आप समझ सकते हैं मेरी बात, कोई एक संधि, इसलिए इस पर बल देना जरूरी है। और पूछता है कि शब्द में तब मिलेगा, एक शब्द तब मिलेगा, महत्वपूर्ण है, पक्का मिल जाएगा, एक पूरा प्रश्न मिल जाएगा, छह में से एक पूरा प्रश्न मिल जाएगा इसमें से। यदि आपके लिए च मिले, सर ज मिले, ट मिले, द मिले, द मिले, न मिले या फिर ल मिले, तो त क्या होगा, इसी के द्वितीय में चला जाएगा, जो भी होगा उसके द्वितीय में चला जाएगा, ठीक है, यह होगा। और यहां से भी नियम बनता है, नियम से प्रश्न बनता है, यह बताने का अवसर नहीं है, नियम से कैसे बनेगा कि यदि देखिए, यदि त के आगे, त के आगे ज हो तो त बदलता है, भैया किस बदलेगा, किस बदलेगा, ज में, ये नियम भी आरपीसी कर चुकी है इसे, तो आप ये ध्यान रखना है कि त के आगे ज हो तो त के आगे ज हो तो किस बदलेगा, त ज में, इनमें से कोई आए ये सात बने तो त किस बदलेगा, ज बदलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर उत और सामने क्या लिखा है, लिखा चरण, तो क्या बनेगा, उच्चारण। अब कुछ पुस्तक है जो देती है कि यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, उसको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखो, ऊपर रखो उस पुस्तक को, वो पुस्तक जो उद देती है, एकमात्र पुस्तक थी बाजार में, काफी सालों से चल रही है वो, उसके जैसे और भी है वो भी चल रही है, पर आर किसी ने आज तक उद नहीं माना है, तो किसी एक कहने से नहीं होता, ढिंडोरा पीटने वाला ही आर किसी बैठी उधर, वो भी मानी जाएगी जो सब जो सही होगा, जो किसी एक कहने पर चीजें नहीं मानी जाती है, इस बात को विशेष रूप ध्यान रखें, इसलिए मैं काटता हूं सीधा। और वे क्या करते हैं इसको, पर अपनी पुस्तक थी बाजार में, काफी सालों से चल रही है वो, उसके जैसे और भी है वो भी चल रही है, पर आर किसी ने आज तक उतनी माना है, तो किसी एक कहने से नहीं होता, ढिंडोरा पीटे वाला ही आर किसी बैठी उधर, वो वही मानी जाएगी जो सब जो सही होगा, जो किसी एक कहने पर चीजें नहीं मानी जाती है, इस बात को विशेष रूप ध्यान रखें, इसलिए मैं काटता हूं सीधा। और वे क्या करते हैं इसको, पर अपनी पर चले रहते हैं, मानता कोई है नहीं,
मैं इतने सदर बता दूं, यहाँ पर आरपी से पूछे कभी नहीं माना आरपी से, आज हमें से क्या मानती है? मानती है उत्तर धन है ज्वल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से दो बार जाएगा आधा आएगा ठीक है, और इसके बाद में एक ध्यान रखिएगा उत्तर धन है लास्ट क्या बन जाएगा उलास, न हम पढ़ चुके हैं जगन्नाथ वाला, द में हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई देखिए एक और उत्तर धन देशी है तो बनेगा उद्देश्य, और उद्देश्य को परीक्षा में ऐसा लिखकर दे सके आपको, तो ये द का मतलब यही होता है, खोल कर लिखोगे तो ये आएगा। अब इसमें एक ध्यान रखना ठीक है, यदि पद हो उसमें कभी त नहीं आता, ये ध्यान, कभी त नहीं आएगा, क्या आएगा द आएगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया विपद और सामने क्या आ गया, मैंने कहा द तो आएगा एक ही शब्द में, किसमें पद में, बाकी सब में क्या लिखोगे त, एक शब्द है पद जिसमें द लाओगे, पद को छोड़कर सब में क्या करोगे त कर देना, विपद चाल तो बन जाएगा विपद चाल, इसको देखा क्या नहीं है, ये व्यंजन संधि पूरी है, इससे बाहर एक भी प्रश्न शायद ही बनेगा, ये अभी आपके जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए मतलब आए हुए और आप जो पीछे प्रश्न किए उनके अनुसार यही है। इसके बाद संधि है विसर्ग, विसर्ग संधि में क्या होता है, देखिए पहला नियम कहता है कि जहां से विच्छेद ओ होता है वह संधि विसर्ग भी होती है, देखिए जहां से विच्छेद ओ होता है वह संधि विसर्ग भी होती है और वह संधि कौन सी होती है गुण भी होती है। पहले सबसे पहले यह तथ्य पूरा करिए आप, यह बहुत ज्यादा वित्तीय रुकावट थी और ये आपको रुकावट उत्पन्न कर सकती है, विशेष संधि ओ से प्रश्न बनाएगा तो गुण संधि का जरूर देगा वो आपके सामने, जरूर देगा वो। देखिए ओ का विच्छेद करते हो आप, धन के पहले अ या आ आता है और सामने ऊ छोटा या बड़ा आता है, और शब्द यदि शुद्ध होता है ठीक है तो संधि होगी गुण, विशेष संधि में भी ओ आता है पर देखिएगा यदि धन के पहले चलिए धन के पहले विसर्ग आए और बाद में ऊ या ऊ आने से शब्द क्या होता है अशुद्ध होता है तो संधि कौन सी होगी विसर्ग होगी। एक बार आपको देख लेना, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां मैंने लिखा है नवोदय तो यहां आएगा नवोदय उदय होता है क्या, नवोदय में विच्छेद हो रहा है वहां पर क्या रहा है ओ रहा है, यहां देखिए तपोगुण सरोज मनोज यहां भी तो आ रहा है या ज्यादा हो आ रहा है, आप ये पता कर लेना है कि धन के बाद यदि ऊ लगाने से शब्द अशुद्ध हो जाता है तो संधि कौन सी होगी विसर्ग होगी, और ऊ लगाने से शुद्ध आता है संधि कौन सी होगी गुण, जैसे कि नवोदय उदय शुद्ध आ रहा है ठीक है तो गुण होगी यहां पर। यदि आप यहां पर देखिए मैं गुण लिखूं या उगुण लिखूं ये बताइए आप, गुण लिखने सही होगा तो यहां पर विसर्ग लगा देना, सरोज में आएगा सरयधन जय वाली, मनोज में आएगा मनयधन ज। अब पढ़ना कैसे आपको इसमें, देखिए पढ़ना कैसे है विसर्ग संधि को, उसके लिए ये तो देखिए एक अलग साहब बता रखा है इससे कोई नहीं होने वाला, पर ओ यहां भी आता है गुण में, जितने उदाहरण में गुण में होता है उतने उतने विसर्ग में ये होता है, पर आपको एक बात थोड़ा देख लेना, ऊ लगाने से अशुद्ध होता हो तो विसर्ग और ऊ लगाने से शुद्ध होता हो, जैसे देखिए यहां पर सूर्योदय सूर्योदय उदय आएगा सूर्योदय उदय आएगा सूर्योदय उदय आएगा यह गुण संधि का होगा, ये विसर्ग संधि के लिए। यहां तक तो ठीक था, कल ये अभ्यास चलेगा उपसर्ग पर पूरा का पूरा, तो कल उपसर्ग भी हो जाएगा और एक साथ में प्रत्यय वाला कंसेप्ट है वो भी पूरा हो जाएगा, परसों आपका समास भी हो जाएगा और उसके बाद में एक एक पेज में एक एक टॉपिक चलेगा, संधि उपसर्ग प्रत्यय समास के अलावा एक एक पेज में एक एक टॉपिक चलता जाएगा, या तो क्या कि एक एक नियम एक एक पेज चलने वाला में से एक एक प्रकार है आगे प्रकार नहीं है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर अभी तो संधि नहीं करिए कैसे करा पाएंगे, एक एक पेज में एक एक, जैसे मान लीजिए आपको लिंग वचन पढ़ना हो तो लिंग वचन 10 मिनट का लिंग है 10 मिनट का वचन है तो परीक्षा में क्या पूछता क्या आता है उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे हम। तसन तो है अभी तक हो सकता है आपने चीजें नहीं पढ़ी ठीक से, वो भी आपकी हो जाएगी और जो मैटर है वो भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको टुकड़ा मिलेगा, अब जैसे रामबाण मिलेगी चीजें आपको ये चीज पढ़ ली थी लेकिन जो पहले आपने पढ़ा है ना उसको भूलिएगा मत, मुझे पता डर किस बात लगता है कि कोई चीज आपने पहले पढ़ी है ना उसको मत भूलिएगा आप। देखिए विसर्ग संधि में एक बात ध्यान रखिएगा, पहला नियम ध्यान रखना आपको, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के सामने हो क क या प प, सबसे ज्यादा प्रश्न रीट हो चाहे कोई हो यह प्रश्न किया गया है, विसर्ग बदलता है स में, यह ध्यान रखना आपको, विसर्ग से पहले देखना है अ या आ हो सामने स हो विसर्ग बदलता है स में, जैसे देखिए तिरधनकार तो क्या बनेगा तिरस्कार बनेगा, बादनपति बनेगा बाचपति। दूसरा यह है विसर्ग से पहले ई छोटी हो या छोटा ऊ हो और सामने क्या हो क क या फिर प प तो विसर्ग बदलता है मूर्धन्य स में, एक नियम आपको यह ध्यान रखना होगा, बाकी तो सब देखिए कॉमन सेंस से भी अलग अलग होगी, यहां कॉमन सेंस आपको नहीं लगेगा, जैसे देखिए बहिधनकार क्या बनेगा विसर्ग से पहले ई है सामने क है बनेगा बहिष्कार, इसलिए यहां पर आविधनकार बनेगा आविष्कार, यहां पर याद क्या रखना है बोलिए बताइए, याद क्या रखना है
पर इसका संधि कौन सी है, कौन सी है? वह नहीं, पूरा नियम हो गया। इस नियम में दिक्कत आपको ये दे सकता है परिष्कार शब्द एक, परिष्कार, परिष्करण, परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कर्ता, परिष्कारक, ये दे सकते हैं, बाकी एक नहीं देगा आपको, बाकी सब में ये करिएगा। और मान लीजिए बाद में कराएगा तो भी क्या बनेगा, भास्कर विशेष संधि के शब्द में संधि बनने से दिक्कत होती है, संधि विच्छेद दिक्कत नहीं होती इसमें, विच्छेद तुरंत बचा जाएगा, जैसे विच्छेद में आप एक ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात ध्यान रखिए, विसर के सामने यदि आपको च या छ मिले, विसर के सामने ट या ठ मिले, विसर के सामने त या थ मिले, देखिए क ख प ऊपर आगे, ऊपर आगे बचे च ट त, ये तीन बच गए। जो विसर के सामने आएगा, देखिए च है तो विसर बदलेगा इसमें, ट हो तो विसर बदलेगा इसमें, और त हो तो विसर बदलेगा इसमें। अब इसमें क्या होगा, च ट त स स स क्रम बना लीजिए आप, च ट त स स स ये क्रम हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द देखिए आप, जैसे हरिधन है चंद्र, विसर किस मिलेगा, स आधा है, आधा रखिए हरिश्चंद्र। और यहां पर बहुत बार पूछा गया, जैसे प्रोड की तरह है, धनुदन टंकार क्या बनेगा बताइए, धनुष टंकार। और इसमें नमदंते क्या बनेगा, नमस्ते, धनुष टंकार याद रखे जाइए, हरिश्चंद्र याद रखे जाइए आप, हर दूसरी प्रति में दोनों प्रश्न बताते हैं विशेष संधि उठते हैं तो। क्यों आरपीसी की जो पुस्तक है ना वो कम उदाहरण वाली है, जहाँ से आरपीसी प्रश्न बनाते हैं वहाँ उदाहरण वाली कम है, और वहाँ सेलेक्ट उदाहरण है, ये सीधे आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से आपको जब जाओगे प्रश्न बारह यहाँ से बहुत चीज मिल जाएगी आपको। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जो पुस्तक कम उदाहरण वाली है वही में से देखते हम अधिक उदाहरण पुस्तक लेते नहीं है। तो ये तीन तो हो गए आपके संधि के उदाहरण, एक और है चौथा, दो पेज में जाएगी संधि। विसर के सामने यदि आपको यह स मिले, विसर के सामने चाहे मूर्धन्य स मिले, विसर के सामने चाहे दंतीय स मिले, विसर्ग जो स होगा उसी में बदलेगा, जो सामने स होगा उसी में बदलेगा, या विसर का विसर रहेगा, ये दो देखिए। जैसे नी धन शुल्क, विसर के सामने जो स है विसर उसी समय रहेगा, देखिए ये रहेगा निःशुल्क, और ये क्या बदल सकता है, सुरक्षित भी रह सकता है। तो दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें है, पहले वाले में, कहीं के लिए पहले वाला नहीं हो सकता है। अच्छा ऐसा कोई है जिसके मन में आ रहा है कि दोनों आ जाए, तो कभी दोनों नहीं आएंगे, दोनों ही सही है, विकल्प एक में आपको ये दे, विकल्प दो में आपको ये दे, ऐसा परीक्षा कभी नहीं करेगा, ऐसा कभी कर नहीं सकता, दोनों होते हैं और दोनों ही सही है। वह धन षष्ठी, तो पहली स्थिति में यह हो जाएगा वह षष्ठी, दूसरी में हो जाएगा विसर के सामने जो सा है वही करिएगा आप, नीधन संतान, पहली स्थिति जो स है वही रहेगा और दूसरी में भी वही रहेगा निसंतान, ये एक नियम हो गया। अब अगले आधे पेज में दूसरा नियम हो जाएगा, इतनी छोटी है, दूसरा कैसे, मतलब हमने चार नियम लिए, पांचवा देखिए आप, पांचवा कहता है कि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और सामने क्या हो, अ हो, तो भैया ये दोनों बदल जाएंगे ओ में, ठीक है, और इस ओ का, इस अ का हो जाएगा लो। यहां से आरपीसी के पास में दो शब्द हैं जो अधिकतर जो परीक्षा पूछे गए हैं, और उधर सब देखिए, एक आरपीसी प्रश्न करती है मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल, विसर्ग से पहले भी अ है, सामने भी अ है, तो विसर्ग किस मतलब, विसर्ग और अ ये दोनों बदलेंगे ओ में, और इस अ का हो जाएगा, इस अ का हो जाएगा लोप, और यहां पर जाएगा कुल मन अनुकूल, ठीक है। एक और है यस धन अभिलाषा, और ये क्या बन जाएगा बताएगा, बनेगा यसो बिलासा। एक नियम और है कि ये कहता है विसर्ग से पहले अ हो और सामने शेष स्वर हो, शेष किसको, अ को छोड़कर हो, तो विसर्ग का होता है लोप, विसर्ग का लोप होगा, और ये अति महत्वपूर्ण नियम है, अति महत्वपूर्ण, ये विद्यार्थी की समझ से बाहर हो जाएगा ये वाला। ये उदाहरण देखना, एक पय धन आदि, सीधा विसर्ग के पहले अ सामने, अ को छोड़कर है तो केवल विसर्ग का लोप करिए, आदि। एक यस धन इच्छा, तो बनेगा यस इच्छा, दूसरा कोई रूप नहीं बनेगा। एक है अत धन एव, बन जाएगा अतेव, ये हो गया, बस इतना ही होता है। एक र वाला है, दो मिनट का वो बचा हुआ केवल, दिक्कत नहीं है, उपसर्ग है, उपसर्ग पूरे संधि पर चलने वाले हैं, और उपसर्ग पढ़ोगे तो सब कुछ संधि समझ आ जाएगी। ये जो पढ़ा है वापस पढ़ सकते, अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है कि मैंने तो पढ़ रखा है मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो कक्षा बने रहिए, अभ्यास आपको हो जाएगा, मैटर आपको मिलता रहेगा और उसे पढ़ते रहेगा, ज्यादा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इतना ही मैटर मिले कि यहां से जब घर से रवाना हो और परीक्षा हॉल तक पहुंचो तो मैटर पढ़ सकते हो, दो घंटे पहले तीन घंटे पहले फ्री हो सकते हो, इतना मैटर आपको मिल जाए, महत्वपूर्ण सामग्री आपको मिल जाए, मिल जाएगी, और वो सही आज तारीख एक हुई है वो पांच तक मिलेगी। मैंने आपको कह दिया ना, इतनी सामग्री मिलेगी कि यहाँ से रवाना होगे, परीक्षा हॉल तक जाओगे तब तक आप आराम से पढ़ लोगे, अब एक दिन पहले रवाना होते हैं या उसी दिन होते हैं वहाँ पर निर्भर है, मैं इतनी उपलब्ध करने वाला हूँ, और कोशिश रहेगी उसमें बहुत चीज़ें आ जाएगी, पर वो इस संक्षिप्त वाले पर चलेगी, विस्तृत वाले पर नहीं चलेगी।
ठीक है, और जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनको मेरा यही यही कहना है, आपने खूब पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है, अभ्यास करिए, कुछ नहीं छोड़ा आपको, आपको पढ़ाते समय मतलब मेरा दिल ना धड़कता था पूरा अंदर से कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विद्यार्थी क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति खूब आई थी, कहीं ना मुझे कि सर इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, कहीं बोले सर इतना कंपटीशन क्यों पढ़ा दिया, अभी कंपटीशन नहीं पढ़ा, ये हिंदी है, परीक्षा हॉल जाओगे ना तब आपको लगेगा। हाँ ये है कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलोगे तो बड़ी आपको संतुष्टि होगी, ठीक है, थोड़ा मैंने 2 मिनट समय ज़्यादा लिया आपका, चलिए दोस्तों पढ़ते रहे, हम कल मिलेंगे, इंतजार कीजिएगा, संधि तक थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद समय लगेगा, ये जो छोटी चीजें आ रही है ये संधि में उपसर्ग है, समास है, प्रत्यय, इसमें बहुत छोटी चीजें आएगी आपके सामने, तो याद रखने वाली, पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आज भी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।